अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम जानते हैं कि फैज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया हमारी कहकशा आंटी ने, वही बुरा जो है ना उसकी बड़ी बहू ने किया, जिसे वो कहती होती थी खानदानी बहू। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इन लोगों के हालात जो है ना वो बे इंतहा बुरे होते जाएंगे, वैसे ही आप लोगों ने देख लिया। आगे कहकशा आंटी को नासिर आके कहता है कि मेरे पास हरीम की ऐसी खबर है कि फैज़ उसे सोचे समझे बगैर फौरी तौर पर तलाक दे देगा। या इतनी टेंशन में भी यहाँ पर हमारी कहकशा आंटी जो है कि पीछा छुड़वाना चाहती हैं हरीम के साथ, या वो अपना कॉन्सेंट्रेट करेंगी अपनी बड़ी बहू पर और अपने बड़े बेटे पर। अच्छा, बकवास की बात ये है, ये लोग इतने अमीर हैं, इसके बावजूद भी जो है ना ये अपने बेटे के ऊपर बिल्कुल भी केस नहीं कर रहे हैं कि मतलब रायान ने सब कुछ इनका ले लिया और वो आराम सुकून से यहाँ पे फिर रहा है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हरीम के खिलाफ वाकई ही साजिश रची जाएगी और फैज़ को इसकी झूठी मतलब कि वो वीडियो जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है वो दिखा दी जाएगी।